हे गाइस, वेलकम बैक इन अदर वीडियो। तो आज लेके आ गया हूँ मैं स्प्रेगन रैक्रियम की अनबॉक्सिंग या रिव्यू, जो भी कह लो आप। तो ये लेफ्ट स्पिन और राइट स्पिन दोनों ही करता है स्पिन, और अभी इसको मैं राइट स्पिन पे चला रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, इसको ऐसे घुमाओगे तो ये लेफ्ट स्पिन भी हो जाएगा, तो ऐसे ही है। और ये इसकी डिस्क है, 0000 डिस्क है ये, 00। और फिर ये इसका ड्राइवर है, तीनों मतलब स्टेमिना, अटैक और क्या कहते हैं, डिफेंस, या फिर पता नहीं कौन, बैलेंस टाइप है, हाँ ऐसा कुछ होगा थर्ड वाला। तो अभी इसका टेस्ट स्पिन करते हैं। लॉन्चर भी मैं टकारा टोमी का यूज़ कर रहा हूँ इस बार। तो स्प्रेगन रैक्रियम बेब्लेड है ये हमारा, ये बेब्लेड लगभग सबका ही फेवरेट है। तो सभी कह रहे थे इसको लाओ इसको लाओ, तो स्प्रेगन रैक्रियम आ गया है। इसकी थोड़ी सी फाइट करते हैं, एक दो, इन तीन बेब्लेड से फाइट करेंगे इसकी। पहले सबसे कमज़ोर वाले के साथ इसको मैं अटैक टाइप कर देता हूँ। तो अभी मैं ये स्टेडियम यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोग कह रहे थे कि इसको यूज़ करो, तो अभी इसको यूज़ कर रहा हूँ मैं कुछ वीडियो में। तो स्प्रिगन रैक्रियम काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेब्लेड है, लेकिन इस बार तो हारता दिख रहा है मेरे को। तो हार गया इस बार, तो इससे कमाल हो गया। तो नेक्स्ट है फैफनियर से करेंगे। तो ये है वो लॉन्चर जो आप सब कह ही रहे थे, LR लॉन्चर है ये। तो ये सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट स्पिन ही करता है, राइट में तो ये अभी इसको ऊपर करूँगा और ये नीचे हो गया, पहली बार हुआ है। अच्छा हाँ, नीचे हो जाता है ये, फिर ये इसका अटक जाता है यहीं पर, तो लेफ़्ट में ही काम करता है ये, पता नहीं क्या ख़राब हो रहा है शायद। तो और लेफ़्ट में भी इतना अच्छे से काम नहीं करता। तो इसकी फैफनियर से लड़ाई करेंगे अभी। फैफनियर तो शायद इससे स्ट्रॉन्ग है, तो ये जीत जाएगा फैफनियर तो। तो लेफ़्ट स्पिन हमेशा की तरह जीतते हुए। तो अभी मैंने स्टेडियम चेंज किया है थोड़ा सा एक्शन में आने के लिए, क्योंकि उसमें तो बहुत बड़ा हो जाता है, इसमें पता चलेगा इसकी रियल स्ट्रेंथ का। कम ऑन स्प्रेगन, ऐसे फैफनियर स्प्रेगन दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेब्लेड हैं, लेकिन इसमें तो फैफनियर जीतेगा ही। तो एक से भी नहीं जीत पाया स्प्रेगन, काफ़ी शर्मनाक बात स्प्रेगन के लिए। अभी स्प्रेगन लेजेंड स्प्रेगन से लड़ाई करेंगे। अटक गया वहीं पे, ये यहाँ पे घूम घूम के पागल हो गया। एक मिनट,
अच्छा ये बस्ट हो ही गया था, ये भी बस्ट होने ही वाला था। और इस बार तो सीधा ऊपर ही अटैक हुआ इसके, कमाल हो गया यार। और ये देख सकते हो इसकी टिप चेंज हो गई, अपने आप चेंज किया हुई है, मतलब बीच में फंस गया। अभी दूसरी पे चेंज करते हैं। तो अभी मेरे को उसका पार्ट अच्छा मिल गया, पार्ट भी मिल गया, अभी करते हैं इसकी फिर से फाइट। इस बार पता चलेगा, ये बैलेंस टाइप टिप है इसलिए इतना शांत बैठा है ये। यार ये तो कुछ कर ही नहीं रहे। अरे भाई टक्कर ही कर लो। चलो गाइस स्प्रिगन जीत गया, ये वाली भी तो स्प्रिगन स्प्रिगन से जीत गया, फैफनियर से नहीं जीत पाया। तो इस बार बस्ट तो दिखना चाहिए, एक बार बस्ट हो जाओ कोई सा, तो ये भी बस्ट नहीं हुआ। तो फिर से लास्ट बस्ट देखने के लिए इससे करेंगे। यार बस्ट ये भी नहीं हो रहा, कमाल हो गई, स्प्रेगन बर्स्ट नहीं कर पा रहा किसी को। तो अभी इसको लेफ्ट स्पिन करना पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। लेकिन यार लेफ्ट स्पिन का लॉन्चर चेंज करना पड़ेगा मेरे को। तो ये लेफ्ट स्पिन ऐसे होता है, यहाँ पे लगा हुआ है, इसके अंदर ऐसे डालो इसको, और कौन सी साइड, हाँ ये आ गया इस साइड। तो अब हो गया ये लेफ्ट स्पिन, अभी लेफ्ट स्पिन चलाएंगे और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लॉन्चर में चलाऊंगा इसको मैं। फिर तो मेरे ख्याल से फैफनियर भी हार जाएगा इससे। तो गाइस अभी पूरा स्टेडियम हिलने वाला है, और साथ में शायद टूट भी सकता है कहीं से। स्टेडियम के लिए पहले से ही प्रे करो। और मैं इसको क्या कहते हैं स्टेमिना टाइप में ले रहा हूँ, ताकि ज़्यादा तबाही मत करे। और इसके अगेंस्ट फैफनियर को लेते हैं, फैफनियर मैदान में आ चुका है, अब स्प्रिगन की बारी। तो इस बार इसने मौका भी नहीं दिया फैफनियर को स्टिल स्पिन करने का। ओ स्टिल स्पिन तो कर ही नहीं सकता ना, ये भी तो लेफ्ट ही है, तो फैफनियर से लड़ने का तो कोई फायदा ही नहीं है। तो अभी करते हैं इसकी वर्ल्ड स्प्रिगन से फिर से लड़ाई, या किसी और से करते हैं। करना तो नहीं चाहिए, लेकिन जजमेंट जोकर से करते हैं। ये बेब्लेड या तो बस्ट करता है या फिर बस्ट हो जाता है, दो ही काम करता है ये। तो पहले मैं स्प्रिगन को लॉन्च करता हूँ, स्प्रिगन बस्ट हो गया था, वाह। तो कमाल हो गया, जजमेंट जोकर बस्ट नहीं हुआ और ना इसने बस्ट किया, वाह वाह। और एक क्लिक भी नहीं आया, वाह यार इस बार तो सही, ये बस्ट ऊपर काम कर गया इसका, और स्प्रेगन होने वाला था बस्ट। तो यार लाइटनिंग, मेरी लाइट की दिक्कत हो गई है, क्या ही कर सकते हैं आप। चलो एक मैच और, जजमेंट जोकर को मैंने स्टेमिना टाइप में रख दिया है, आप देख सकते हो ये स्टेमिना हो गया, अभी ऊपर होते ही अटैक में आ जाता है ये। अभी मैं इसको स्टेमिना पे रख लेता हूँ,
क्योंकि अभी मैं स्प्रिगन को अटैक टैक कर रहा हूँ, अब होने वाली है असली तबाही। यार ये तो चेंज कर दिया इसने अपने आप ही, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, अपने आप ही चेंज हो गया ये। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्टैमिना टाइप में ही चले ताकि अच्छे से लड़ाई कर पाए। ओके तो इस बार स्टैमिना है यार, मेरे को ना स्प्रिगन को ही पहले लॉन्च करना पड़ेगा, अकेले बंदे का नुकसान। अभी भी मेरे को कोई बर्स्ट नहीं देखने को मिला, और इसका तो एक क्लिक भी नहीं आया, ये जो बर्स्ट होता रहता था। कमाल है, इससे ही करेंगे, इसको ही बर्स्ट देखना मेरे को। ओके तो मैं वर्ल्ड ये लेजेंड स्पीकर ले रहा हूँ, वो ड्रिगर नहीं ले रहा। तो नहीं ये फंस जाते हैं वहाँ पे। दूसरी बार में हरा पाएगा क्या स्प्रिगन रेक्रियम लेजेंड स्प्रिगन को? वैसे लेफ्ट स्पिन है तो हरा ही देगा। तो हरा दिया। एक बार फैफनियर को लॉन्च करते हैं इस लॉन्चर से। तो फैफनियर को लॉन्च करने वाला मैं उसकी फुल स्पीड पे, और साथ में ही सारे बेबलेट्स को लॉन्च करूँगा, तो देखेंगे कौन जीतेगा लास्ट तक। एक जगह पे अटक गया तो। तो फैफनियर को तो मैदान में आने का कोई शौक ही नहीं है। अरे ये सारे बर्स्ट हो गए। तो यार फैफनियर को लड़ने का शौक ही नहीं है, फैफनियर दूर चला गया था। तो गाइस कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बर्स्ट हो गया सब कुछ, रेक्रियम ही रहा हमारा। बाय गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो।